माय नेम इज शिवांग बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी चैनल। सो गाइस, आज के मार्केट ना बहुत ज्यादा अच्छी गई थी, बहुत सारे प्रॉफिट्स अर्न करे गए हैं आज की मार्केट के अंदर, और जो डाउनफॉल एक्सपेक्टेड थी ना, एग्जैक्टली वो डाउनफॉल हम लोगों ने कैप्चर करी थी। मार्केट रेड हुई और हम लोगों ने आपको जो सेटअप्स बताए थे अपने यूट्यूब के अंदर, अपने टेलीग्राम के अंदर, सबके टारगेट हिट हुए हैं। सो गाइस, आज की मार्केट में हमने क्या देखा था, मैंने आप लोगों को ना कल दो सेटअप बताए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके साथ हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट के साथ डाटा इंटरप्रेट जब करा था, तो कंक्लूजन में ये चीज आई थी कि जो ब्रेकआउट दिया है ना निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने नहीं दिया, बैंक निफ्टी एक मूवमेंट दे सकता है बट बाय की तरफ हम लोग नहीं जाने वाले। हमें शॉर्ट देखना, अगर मिलेगा तो हम लोग शॉर्ट जरूर करेंगे। आज टेलीग्राम पे एग्जैक्टली लेवल्स पे आप लोगों को मैंने बताया कि अब शॉर्ट करने का सही समय आ गया। 300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी दे गया, 100 पॉइंट हम लोगों को निफ्टी अंदर दे गया। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत शॉर्ट के ट्रेड्स भी लिए हैं, लॉन्ग के ट्रेड्स भी लिए हैं, सारे बढ़िया होते हैं देखने को मिले। तो चलिए अब देखते हैं अब आप कौन से शेयर बाय कर सकते हो कल के लिए, और अगर आप लोगों को उसके अलावा और इंट्राडे पे कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मार्केट पे, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो वहां के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अब तो हम लोग इंस्टाग्राम के स्टोरीज में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देने वाले हैं, और आज भी हम लोगों ने दिए हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं कि कल के मार्केट किस तरीके से रह सकती है और आज के मार्केट पे हमने के कहां पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा अर्न करा है। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को ना मैं शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले अगर हम लोग चेक करेंगे तो आप ये दो पैरेलल लाइंस देख पा रहे हो ब्लैक कलर की। इस पैरेलल लाइन को जब इसने ब्रेक डाउन करा था ना आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेक डाउन, कंसिस्टेंट फॉल हमें लास्ट 14-20 डेज तक हमें देखने को मिला। ये दो हफ्ते से तीन हफ्ते के बीच की ये डाउनफॉल थी। इसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि एक ट्रेंड लाइन और बन रही है जो सारे लोस को कनेक्ट करते हुए आ रही है, जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इस ट्रेंड लाइन पे इसने एक बार पॉज लिया, ऊपर गया एंड दोबारा डाउनफॉल कंटिन्यू हुई। दोबारा डाउनफॉल कंटिन्यू होने के बाद इसने एक हैमर कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बनाने के बाद एक गैप अप ओपनिंग दी। अब यहाँ पर हम लोगों को लगा कि अब तो ये पॉसिबल रिवर्सल है, बट एक इनसाइड कैंडल के बाद मैंने आपको सिखा रखा, अगर एक बुलिश कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनती है तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो ऊपर की तरफ नेक्स्ट कैंडल बन सकती है। ऐसा हुआ नहीं हुआ और डाउन ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया। सो यानी कि जो ये लाइन थी, ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, इसको ब्रेक करा होना डाउन साइड, नीचे कम से कम एक हफ्ता सस्टेन कर चुका है, ऊपर उसने वहां पर रेजिस्टेंस भी फेस कर ली और अब नीचे आ रहा है। सो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप यहां देख सकते हैं आज हुआ कि आज के ट्रेडिंग सेशन पे ये दोबारा एक रेंज के अंदर रहा, नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन करा और एक कंटिन्यूस फॉल देखने को मिली। एक क्रूशियल लेवल था ये लेवल, जहां पर हमें लग रहा था ये स्टॉक पॉज ले जाएगा, बिकॉज इसी लेवल से इसने दोबारा रिवर्सल दिया था। बट हमें आपको पता है कि एक रिवर्सल पर हमें बाय नहीं करना, अपने रीटेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। नीचे आया, इनसाइड कैंडल बनाई और एक डाउनफॉल कंटिन्यू हुई। तो यहां पर अब एक शॉर्ट ट्रेड हम लोग लेकर चल सकते हैं। जो टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, दैट टारगेट शुड बी अराउंड दिस लेवल। ये टारगेट्स है जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 10-12 पॉइंट की गिरावट और करवा सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, दे सकता है। और अगर ये कल ऊपर रीटेस्ट करता है ना इन्हीं लेवल्स पे, तो याद रखिएगा गाइस, अगर आप लोग ट्रेडिंग ले रहे हैं, आप अपने खुद के पैसों से ले रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज बता पा रहा हूँ, जब तक बट आप ये स्ट्रक्चर अपने चार्ट्स पे ड्रॉ नहीं करोगे ना, आप नहीं कर पाओगे। मैंने आपसे बोला इस लेवल पे रीटेस्ट होना चाहिए, तो आपको पहले देखना है कि रीटेस्ट होने के बाद वो दोबारा नीचे जा रहा है, जैसे नीचे जाए तब शॉर्ट करना है। ये पूरी जो गैप है, इस पूरे गैप को आप प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर निकलोगे, ठीक है। तो ये था एक्सिस बैंक, अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है मोरपन लैब। मोरपन लैब एक स्विंग ट्रेड है, मतलब 2-3 हफ्ते के लिए मैं ये ट्रेड लेकर चल रहा हूँ। अभी इसका जो करंट प्राइस है दैट इज 58 रुपीज, और मेरा जो टारगेट है वो 71-72 रुपीज का है, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 10% से ऊपर की हमें अपसाइड इसमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है, तो ये स्विंग ट्रेड के लिए एक बढ़िया कैंडिडेट है। हुआ क्या, सबसे पहले आप ये लाइन देख रहे हैं, ये एक मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रही थी ये लाइन। इसके अलावा यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा था, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के लेवल है, और ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने सारे टॉप से कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करी हुई है। हुआ क्या, अभी ट्रेडिंग सेशन में इसने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गिव अ रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद ये कैंडल दिख रहा है रिवर्सल, जैसे अभी एक्सिस बैंक ने बोला कि ऊपर रीटेस्ट करने के बाद नीचे वाली कैंडल दिखे तो ही शॉर्ट करना। एग्जैक्टली यहाँ पर रीटेस्ट होने के बाद लॉन्ग वाली कैंडल दिखी तो हमने ये पूरी मूवमेंट को कैप्चर करा।
अब यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, डबल बॉटम से भी ऊपर गया, दूसरी चीज एक हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के भी ऊपर गया है। तो ये मुझे लगता है स्टॉक बढ़िया है जिसपे हम लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। अब स्टॉक अपने अच्छे वाले बाय प्राइस जो इसका 53, 54 से 55 रुपीज का लेवल है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है 3 रुपए, बट ऑन अ परसेंटेज वाइज वो भी ज्यादा है। सो होता क्या है, अगर करीब वाला पर्टिकुलर स्टॉक डिप देता है 55, 56 के आसपास आता है ना, तो क्वांटिटीज स्टार्ट कर देना बाय करने के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 49.40 रुपीज का, 49.40 रुपीज का स्टॉप लॉस है। लेट मी शो यू, अगर हम 56 पे भी बाय करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 49.45 का एंड मेरा टारगेट होगा ये, तो मतलब 1:2, 2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 28% का रिटर्न है जो आपको स्टॉक दे सकता है। तो स्टॉक के अंदर अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो और डेफिनेटली आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक के, फिर इंटरडे में निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप भी चेक कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने थर्ड स्टॉक भी ओपन कर लिया है। यहां पर मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक की RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा लिमिटेड। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक सिंपल रेड कलर की लाइन पे फोकस करी सबसे पहले, और मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, तो एक एक कैंडल जो है वो मंथली कैंडल है। अब ये लाइन को देखेंगे, जब इस लाइन का ब्रेकडाउन आया था एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे, ये बात है 2018-11 की, 2011 मतलब 10 साल पुरानी बात है ये, जब इसमें एक गैप इसने ब्रेक करा था इस लाइन को, उसके बाद से इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। बट लास्ट मंथ मतलब जून में 2021 में एक ब्रेकआउट आया, एक 11 साल गाइस 11 से 10 साल का जो इसका ब्रेकडाउन था उसके ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वो दोबारा नीचे आया, रीटेस्ट करा मल्टीपल, 2 से 3 महीने इसके अंदर गुजारे और फाइनली एक ब्रेकआउट दिया, और जो ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग थी ना, उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में दे दी है। अब यहां पर हुआ क्या, अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो एक अच्छी खासी इंपल्स मूव देने के बाद इसने एक पेनेंट पैटर्न बनाया, एक मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक पेनेंट पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो डेफिनेटली यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये टारगेट कहां तक हम लोग एक जूम करके चल सकते हैं। देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, 10 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो हम मान के चल सकते हैं कि टारगेट इसके बहुत ज्यादा ऊपर होंगे, ठीक है। बट टारगेट आने में भी टाइम लग जाएगा, ये टाइम टेकन स्टॉक होगा, ये टारगेट आने में टाइम ले लेगा। बट आप मान के चलो ये ऑलमोस्ट 1200-1300-1400 रुपए तक भी जा सकता है, बट ये टाइम टेकन स्टॉक होगा। करंट प्राइस इसका 812 रुपीज है, मैं बोल के चलूँ तो आप लोग ना बाय ऑन डिप्स भी इसको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके चल सकते हो। अब बाय ऑन डिप्स करो मतलब 800 पे मिले तो बाय करो, 780 पे मिले कुछ क्वांटिटीज ऐड ऑन कर लो, 760 पे मिले तो कुछ क्वांटिटीज ऐड ऑन कर लो, और ये स्टॉक को रख के भूल जाओ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आप लोगों को विद इन 3 वीक्स और 4 वीक्स, 1 महीने के अंदर अंदर तो 900-950 तक ये स्टॉक पहुंच सकता है, और 1200 रुपये का मैं टारगेट इस पर मान के चल रहा हूँ, तो मुझे लगता है ईजिली दिखा सकता है। ये था मेरा लास्ट स्टॉक एज अ स्विंग ट्रेड, बोरपन लैब मेरा स्विंग ट्रेड है और इंटरडे के लिए एक्सिस बैंक शॉर्ट है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जिसपे सबसे ज्यादा पैसा कमाया गया। सो निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, ये एग्जैक्टली मेरा सेटअप है जो मैंने आप लोगों को कल शो करा था, ठीक है। मैंने आपको एक चीज कल बोली थी, देखिए ये पूरी साइकोलॉजी होती है, ये पूरी सिक्योरिटी साइकोलॉजी होती है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। ये देखिएगा, ये हम लोगों ने एक ड्रॉ कर लिया, ये रेंज हम लोगों ने बनाया था, ये रेंज इतना नहीं था, ये रेंज इतना था, हम लोगों ने ये रेंज बनाया था, और हम लोगों ने देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था, इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया था, जो हम मान के चल रहे थे कि अच्छी बात है, डेफिनेटली एक अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने कल जो डिसीजन लिया था, मैं बोला था यार पहली बात तो बहुत बड़ा जो गिरावट में गिरावट आई जा रही थी, उसके बाद जाके इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये एक अच्छा साइन है कि इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। बट क्या ये डेफिनेटली ब्रेकआउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला हम बाय नहीं करेंगे इसमें, हम लोग बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता नहीं है ये शेयर, ठीक है। हमने क्या करा, हमने बात करी ये नीचे आने दो, नीचे आने दो, नीचे आने दो, अगर ये जो रेंज बना रखी है 50 और 61 फिबोनाची से, अगर यहां से टर्न अराउंड करके ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे तब, बट अगर यहां से तोड़ के नीचे चला गया तो क्लियर शॉट है और टारगेट हमारा ये है। और आप टेलीग्राम पे अगर जाके देखेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा कि मैंने क्लियरली इसी लेवल के नीचे जब ये गया मैंने शॉर्ट इनिशिएट कर दिया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हम लोगों ने निफ्टी के अंदर कैप्चर करे और पूरा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल गया। सो ये डेफिनेटली फॉल्स ब्रेकआउट निकल के आया, देखिए यहां से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और मैं कहता अगर ये यहां से रिवर्स करता तो ये तब भी फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता। हम मान के चल रहे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ प्लस बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हुआ, तो डेफिनेटली वी कैन डू शॉर्ट पोजिशन इन दिस। अब करना क्या, देखिए अब पास्ट की बात हो गई है, अब करना क्या,
आप देख सकते हैं ये जो एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं ना जो विक इसकी याद थी, तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग प्रेशर देखने को मिला होगा, यहाँ पर डेफिनेटली एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला होगा। दूसरी चीज, जब यहाँ पर बाइंग देखने को मिला होगा तो ये तो बात हम कह ही नहीं सकते कि सब लोगों ने सिर्फ इसी लेवल पर बाय करा होगा, किसी ने यहाँ पर बाय करा होगा, ठीक है, किसी ने इधर बाय करा होगा, किसी ने इधर बाय करा होगा। अब देखिएगा बढ़िया तरीका हम कैसे पता लगाएं कि इस लेवल के नीचे ही ज्यादातर लोगों ने बाय करा है। ये जब ऊपर गया दोबारा नीचे आया, यहां से इस पॉइंट से दोबारा रिवर्सल हुआ, तो मैं मान के चल रहा हूं ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट, ये रेड कलर की जो लाइन है और जो ब्लैक कलर की लाइन है, इस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा बाय की पोजीशंस बनी है, बहुत ज्यादा बाय की पोजीशंस बनी है। क्यों? इस रेंज के अंदर इतनी बाय की पोजीशन बनी है कि ये शेयर ऊपर तो चला गया, क्लोज भी कर गया, बट जब दोबारा रिटेस्ट करने आया तो इसके नीचे नहीं गया, ठीक है, इसके नीचे नहीं गया। जितने लोगों ने भी यहां पर बाय करा होगा उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे, ओके। बट यहां पर अब ये है जो है सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, इस रेंज के अंदर ये दोबारा आ चुका है। कल अगर हमें इसके ऊपर गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग नहीं देखने को मिलती है, कल अगर हमें गैप अप ओपनिंग नहीं देखने को मिलती है जो कि 16,979.80 के ऊपर नहीं जाती है, तो भाई हमारे लिए कोई भी बाय सेटअप दिख नहीं रहा और कल भी हमें बाय करना नहीं है क्योंकि जिस तरीके से सेटअप बिगड़ा हुआ है। बट अगर ये नीचे जाना शुरू करता है और आज का लो क्या है 16,895, अगर 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है तो क्लियर शॉर्ट कर लेगी विद अ टारगेट ऑफ 16,790 रुपीज, जो कि 100 रुपए का पॉइंट है, हमें इजिली मिल सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, अगर ये लेवल टूटा तो जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग बना रखी है सबसे पहले उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जितने लोग यहाँ पर बाय बनाएंगे सोच के डबल बॉटम क्रिएट हो सकता है उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और यहाँ से निफ्टी और ज्यादा नीचे जा सकता है। सो प्लीज बी कॉशियस, हैवी लॉन्ग पोजीशन तो बनाना छोड़ दो, मैं तो कहूँगा हल्की भी लॉन्ग पोजीशन बनाना छोड़ देना चाहे अगर आपको डबल बॉटम सिनेरियो दिख रहा हो, बिकॉज हल्का सा ऊपर जाके नीचे दोबारा जा सकता है। दूसरी बात, शॉर्ट पोजीशंस भी हैवी मत बनाना, कल गैप अप गैप डाउन अगर ओपनिंग देखने को मिल जाएगी तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद रिकवरी भी आ सकती है, इस बात को याद रखना। तो शॉर्ट पोजीशन अगर आप बना के गए भी हो अभी तो वहां पर गैप डाउन दिखे तो डेफिनेटली आप पोजीशन को एग्जिट कर देना, ठीक है। तो ये थी निफ्टी की बात, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, क्लियरली हम लोगों ने जो रेंज देखी थी, हमने देखा था एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर ये कंटिन्यूअस बेसिस पे काम कर रहा है और अभी तक ये अपने रेंज के ऊपर जा नहीं पाया। हम लोगों ने अभी बात करी थी ना कि अपने निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी तो हमने फॉल्स ब्रेकआउट मान सकते थे, बट यहाँ तो इसने ब्रेकआउट भी नहीं दिया था। आप ये देखिएगा, ये देख रहे हैं इसने इसके ऊपर गया ही नहीं था, यहीं पर इसने एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट कर दिया था और वहीं से कंटिन्यूअस नीचे आता स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने यहाँ पर भी इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, दिखाता हूँ किस रीजन से बनाई थी और आपको पता चल जाएगा। हुआ क्या, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर फिबोनाची का यूज करते हैं, ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम। हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी, जब फिबोनाची मैंने ड्रॉ करा और मैं इस रेंज को अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, हमारे को कोई यूज नहीं है। जब हम लोगों ने यहाँ पर फिबोनाची बनाया तो हम लोगों ने देखा यार ये 61% है जो कि एक क्रूशियल लेवल है। डेफिनेटली निफ्टी में भी हम लोगों ने वही ऑब्जर्वेशन करी थी ना कि एक क्रूशियल लेवल है, तो हमने क्या करा, जब यहाँ पर फर्दर स्टडी करी गई तो हमें पता चला, आप देखिएगा एक बियरिश कैंडल आई, उसके बाद इसी लेवल से रिकवरी हुई ऊपर गया और इसी लेवल से रिटेस्ट देके फिर ऊपर गया, इसी लेवल से रिटेस्ट देके फिर ऊपर गया। और जब इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन करा इसी लेवल पे, हम लोगों ने इसी लेवल पे शॉर्ट की सलाह दे दी थी 36,030 के नीचे, मैंने बोला था सीधा शॉर्ट करना है, टारगेट हमारा था 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, अब वो पूरा अचीव हुआ था। सो अब क्या करना है, दोबारा मैं वही लेवल बोल रहा हूँ, इस लेवल से एक रिकवरी आई, इस पॉइंट से एक रिकवरी आई, इस पॉइंट पे आप बना लो, ये देखिए ये साइकोलॉजी होती है, और इसके अलावा इस पॉइंट से एक रिकवरी आई है तो हम मान के चल रहे हैं कि यहां तक तो मिनिमम टारगेट हम अज्यूम कर सकते हैं कि 35,500 या 50 तक जा सकता है, 35,550 तक तो एक बार ही डेफिनेटली जा सकता है, और अगर इसके नीचे जाता है तो 35,350 तक भी स्टॉक इंडेक्स जा सकता है। तो मतलब हम टारगेट मान के चल रहे हैं ये तो आना ही आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अभी एनालिसिस काम कर रही है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो क्लियरली शॉर्ट था, आप देख सकते हैं क्लियरली एक शॉर्ट पोजिशन हम लोगों को देखने को मिली, इतने क्रूशियल लेवल को ब्रेक करा, यहाँ पर शॉर्ट हुआ और डाउनफॉल स्टार्ट हो गई है। डाउनफॉल अभी दोबारा आ जाती बट मार्केट क्लोज कर गई, आप देख सकते हैं बड़ी फॉल के बाद एक छोटी इनसाइड कैंडल बनी और ये दोबारा नीचे कंटिन्यू कर लेती। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर इसी लेवल पे खुलता है, तो अगर इसी लेवल पे खुले तो शॉर्ट होना ही होना है, मार्केट नीचे चली जाएगी। अगर गैप डाउन खुल रहा है तो भी मार्केट नीचे जाएगी। गैप अप पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नीचे वाले बेस स्ट्रक्चर वाले दोबारा एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। तो एक बार ओपन इंटरेस्ट के साथ क्लैरिफिकेशन पूरी ले लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट का डाटा कर लिया है हम लोगों ने ओपन, बट सबसे पहले अगर आप लोगों को वीडियो का एजुकेशनल कंटेंट बहुत पसंद में आ रहा है, अगर आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, अगर आप लोग इसके एनालिसिस की बेसिस के थ्रू
प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा। अगर आप लोग नए हैं तो, अगर आप लोग नए हैं, अगर आपको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा ना, तो पास्ट की 2-3 वीडियोस आप देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आज के ट्रेडिंग में कितने कितने लोगों ने प्रॉफिट अर्न करे थे हमारे रिकमेंडेशन के थ्रू। अब आप देखिएगा दोबारा कल वाला सिनेरियो रिपीट हो रहा है। कॉल है 30 मिलियन, अपपुट है 3.8 मिलियन, 10 गुना का फर्क है, 10 टाइम्स का फर्क है। आप देख सकते हैं हैवी कॉल राइटिंग है, 17,000 तक हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और अब तो 16,900 पे भी आ गई है। इसके अलावा पुट राइटर्स एग्जिट कर गए 17,200, 300, 400 से एग्जिट कर चुके हैं। अब आप यहां पर एक बेस समझ लीजिए कि अपसाइड, हर ₹50 की अपसाइड में निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलने वाला है, हर ₹50 की अपसाइड में, बट हर गिरावट में उसको कोई सपोर्ट नहीं है। जो चार्ट्स पे सपोर्ट है वो दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कहीं सपोर्ट नहीं है, बस वो 16,900 का सपोर्ट है। अगर वो टूट जाएगा तो डेफिनेटली और नीचे चले जाएगी, और हमने वही बोला है कि 15 मिनट की कैंडल अगर आज के लो के नीचे चले गई तो हमें शॉर्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी और जितने भी कॉल राइटर्स आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि कल ट्यूजडे हो जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे है, तो ये वाले कॉल राइटर्स आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, इस बात को याद रखना। और अगर ये वाले कॉल राइटर्स आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उन्हें पता है कि एग्रेसिव सेलिंग और आ सकती है, तो इस बात को याद रखना। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर अच्छा खासा वीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कॉल चेंज 6.1, अपपुट चेंज 1.5। दोबारा आप देख सकते हैं पुट राइटर्स यहां से तो पहली बात एग्जिट कर चुके हैं, 36,000 लेवल के आसपास से पुट राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं। 36,000 में आप कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव हो चुका है, हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा तो 35,500 तक पे एक हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। लोगों को लग रहा है कि 35,500 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इतने ज्यादा एग्रेसिवली वो लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तो हम यही एक डिसीजन मान के चलेंगे कि अगर यहां से 200 पॉइंट की गिरावट तो एक्सपेक्टेड है, जो अभी हम लोगों ने बात करी थी पहला टारगेट की, और दूसरा टारगेट की बात करी थी 35,300 की। और अगर आप देखेंगे तो 35,200-300 के आसपास ही दूसरे पुट राइटिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। कंक्लूजन ये निकलता है, गैप डाउन ओपनिंग हो, चेसी लेवल पे ओपनिंग हो, मार्केट को कल नीचे जाना है, बट अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना है। शुरुआत की 15 मिनट की कैंडल में भी ट्रेड नहीं करना, आधा घंटा पहले हमें देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, देन डेफिनेटली हम लोग ट्रेड लेंगे। और आप लोग कल इंट्राडे पे लाइव रहना टेलीग्राम पे, आप लोगों को रिकमेंडेशंस हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और रिकमेंडेशंस वो नहीं है कि आप लोग बाय करो सेल करो, आपको प्रॉपर चार्ट सिस्टम्स के साथ दिए जाएंगी सारी चीजें। एंड प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आपको बहुत एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड, कैसे क्या इंडिया का चल रहा है, बाहर क्या चलता है, उससे क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, सारी चीजें आपके साथ शेयर करी जाएंगी और बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल की वीडियो में।